ऑल राइट दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। एंड आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आगे भी मस्त रहना। जैसे कि आपको पता है, पिछले सीजन इंडिया में टॉप 20 गया था ट्रोगन गन में हमने, तो इस सीजन मैं यहां पर दो गोली में पुश करूंगा एंड इंडिया लगाने का फुल कोशिश करने वाला हूं। बाकी आप लोग मेरा भी स्कोर भी चेक कर सकते हो, मैं अभी डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 पे चल रहा हूं अपने एंड मेरा स्कोर अभी यहां पर 2700 प्लस का है। ये एपिसोड फर्स्ट रहने वाला है M187 पुशिंग का, तो मैं बहुत ही जल्दी यहां पर इंडिया में भी आ जाऊंगा एंड टॉप 1 वाले का आप लोग स्कोर चेक कर सकते हो, 20,000 से भी ऊपर का हो चुका है एंड टॉप 100 में मेरे को आने के लिए चाहिए 6,700 का स्कोर। नाउ बढ़ते सीधा गेम प्ले की तरफ। मेरा पहला गेम बरमूडा में लगा था एंड मैं उतरा था ब्लू जोन पे एंड ब्लू जोन बना था हमारा फैक्ट्री के ऊपर। एंड ब्लू जोन में मैं इसलिए उतर रहा हूँ क्योंकि इसमें यहाँ पर M187 जल्दी मिल जाते हैं ब्लू जोन में। बाकी वेट, सामने एक बंदा, इसको मैंने फिनिश कर दिया। सामने एक और बंदा, इसको भी मारते, डैमेज हो चुका बट इसने सेंटिनो अपना एक्टिव कर लिया। अब देखो यार, मेरे सामने दो चीज है, या तो मैं रैंक पुश कर पाऊंगा या मैं वेपन ग्लोरी को पुश कर पाऊंगा, बिकॉज यहाँ पर मैंने जो गन चूज किया वो ज्यादातर ब्लू जोन में मिलती है एंड ब्लू जोन में काफी सारे एनिमी जाते हैं, इसलिए मेरा स्टार्टिंग में ही माइनस लग जाता है। मैं अभी के टाइम पे बहुत कम गेम खेलता हूं। वेट, सामने एक एनिमी है, इसको मारने की कोशिश करते हैं इसको, और मेरी तरफ ही बढ़ रहा है भाई। दो गोली मारा था लेकिन इसने मुझे MP5 का स्प्रे देके मार दिया। बाकी कोई बात नहीं, सोलो रिवाइवल यहाँ पर ऑन था इसलिए हम लोग वापस से रिवाइव हो जाते हैं। वापस हम लोग ब्लू जोन में जाने वाले, थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा भाई क्योंकि दो गोली पता नहीं भाई मिले ना मिले। तो बाकी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं यहाँ पर अपने लूट के पास एंड भाई मेरे को यहाँ से दो गोली भी अपनी मिल चुकी है, बट वो बंदा मेरे पे वापस से रस कर रहा है। इस बार तो अपन छोड़ेंगे नहीं इसको भाई, एक बार मूवमेंट करके और भाई ये लो फिनिश कर दिया भाई, BFF गॉड नाम था एंड फर्स्ट किल हमको दो गोली के साथ अपना मिल चुका है। बाकी यहाँ पर फैक्ट्री पे अच्छे से लूटपाट करने के बाद सीधा गाड़ी लेके मैं यहाँ पर पोचनो की साइड आ जाता हूँ एनिमीज को यहाँ पर ढूंढने के लिए। एनसीमेंटेड हाउस में मेरे को यहाँ पर ग्लूवल भी लगे हुए दिखती है, तो मैं गाड़ी को पार्क करके सीधा ऊपर की साइड रश करने लग जाता हूँ। तो यहाँ पर ग्लूवल लगा था तो फटाफट इसको डिस्ट्रॉय करते एंड यहाँ पर एनिमीज एक बार दिख जाए मेरे को किस साइड को, बाकी फटाफट ग्लूवल तोड़ते। और ये क्या भाई, ये बंदा तो ऑफलाइन है, तो फटाफट से हेड पे एम लेके इसको फिनिश कर देते हैं भाई, क्योंकि भाई M187 की ग्लोरी भी तो देनी है। तो फटाफट से इसको मैंने फिनिश कर दिया, बाकी यहाँ इसको लूट कर लेते हैं अपन एंड इसके लूट में अपन लैंडमैन लगा देते हैं। यहाँ पर कोई बंदा आएगा तो वो मर जाएगा, बट नीचे से कौन सा आतंकवादी आ गया भाई, इसको मारना जरूरी है पहले। लैंडमैन से मरे ना मरे लेकिन ये मेरी दो गोली से जरूर मरेगा आज ये। बाकी मैंने कैंटा का यहाँ पर स्किल भी ऑन कर लिया, मेरे पर रस कर रहा है, डैमेज है काफी। बाकी दो गोली और मारते जम करके, और ये लो भाई बंदा फिनिश हो चुका है एंड मेरा यहाँ पर दो गोली के साथ 3 किल भी हो चुका है। लूट करने के बाद मैं वापस से गाड़ी में बैठ के यहाँ पर जोन को कवर करने आ जाता हूँ। एक बंदा दिखता है जिसको मैं M14 का स्प्रे देकर फिनिश कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं फटाफट से ड्रॉप को चार्ज करने लग जाता हूँ। यहाँ से मेरे को 4 की वेस्ट चाहिए था, बट इतने में एक बंदा गाड़ी लेके आता है मेरे पर रस कर देता है, इसको मैं गाड़ी से ठोक देता हूँ। उतरने के बाद शॉटगन का डैमेज देता हूँ बट ये बंदा मरता ही नहीं है, पता नहीं कितनी HP थी इसके पास एंड ये बंदा मेरी ही गाड़ी लेके भागने लग जाता है। इसकी गाड़ी को मैं जला देता हूँ एंड ये बंदा जैसे उतरता है इसको देखो कितना ही डैमेज दिया भाई, बट इसने जाइन ऑन कर लिया बट एट द एंड इसको मैंने फिनिश कर दिया एंड पीछे से भी यहाँ पर एनिमीज थर्ड पार्टी करने लग रहे थे मेरे पे। अगर मैं यहाँ पर ज्यादा देर रहता तो मेरा यहाँ पर सैंडविच बन जाता चारों साइड से, इसलिए मैं वहां से निकल जाता हूँ गाड़ी लेके एंड यहाँ से मैं एक एक करके यहाँ पर बंदे को मैप में ढूंढ ढूंढ कर उनको मारने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को वेपन ग्लोरी पूरा प्लस मिल चुका था इसलिए मैं फुल्ली एकदम अंधा रस कर रहा था एंड ये मेरे पे थोड़ा सा भारी पड़ जाता है एंड यहाँ पर मैं एक बंदे से फाइट करते करते मर जाता हूँ। बट अपने को टेंशन नहीं थी क्योंकि हमको वेपन ग्लोरी फुल प्लस मिल चुका था तो हम लोग इसलिए रस कर रहे थे। बाकी बैक मार कर देखते हैं हम लोग यहाँ पर एंड देख सकते हो मेरे को M187 में 100 का फुल प्लस मिल चुका है। अब नेक्स्ट गेम में भी मैं ब्लू जोन पे उतरा था एंड यहाँ पर एक बंदे को फिनिश करने के बाद उसके लूट बॉक्स में से मेरे को 2 गोली मिल जाती है, तो 2 गोली लेके मैं सीधा जोन की तरफ जा रहा था लेकिन वेंडिंग के पास फायर का साउंड आता है एंड सामने की तरफ बंदा भाग रहा था तो इसको मुझे 2 गोली से ही फिनिश करना था। तो सीधा शॉट में जाता हूँ मैं, घुमा के डैमेज देता हूँ बट ये बंदा बच जाता है एंड वापस इसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ बट पीछे से थर्ड पार्टी हो जाती है। बट जैसे तैसे करके मैंने इस बंदे को फिनिश कर दिया था बट इतने में वो वाला बंदा भाई इतना चलाक निकला मेरे पे रस कर देता है। बट जैसे तैसे करके मूवमेंट वगैरह दिखा के अपनी इनहेलर से HP फुल करके इसको भी 2 गोली मारता हूँ एंड बंदा काफी लो HP हो चुका है। थोड़ा मूवमेंट दिखाते हैं अपन एंड जैसे ही बंदा थोड़ा सा कवर छोड़ के बाहर आता है इसको देखो भाई, क्या ही तो स्प्रे देके मैंने इसका सोनी एक्टिवेट करके इसको भी फिनिश कर दिया था। अब 2 गोली से मेरे 2 किल हो चुके थे तो सीधा मैं जोन की तरफ जाता हूँ एंड एक बंदा यहाँ पर मेरे को पीक पे काफी हद तक डैमेज देता है, मेरी HP काफी लो हो चुकी थी बट वो बंदा मेरे पे सीधा रस मार रहा था, मैंने उसको स्पॉट कर लिया था। तो मैं यहाँ पर कवर में आके खड़े हो जाता हूँ, जैसे ही मेरे बंदे सामने आएगा मैं उसको इजिली फिनिश कर दूंगा। वो बंदा मेरे पे सीधा सीधा रस कर रहा था, 2 गोली मारता हूँ और ये देखो बंदा फिनिश ही हो जाता है। बट ये बंदा काफी चलाक था, मैं टोकन के पास जैसे गया भाई लैंडमैन लगा रखी थी इसने, तो भाई वहां से मैं सीधा जोन में आता हूँ एंड यहाँ पर लॉन्चपैड के पास लैंडमैन सेट करता हूँ। बट इतने में छोटे वाले घर में मेरे को एक एनिमी स्पॉट हो जाता है एंड इसको मैं थोड़ा इधर आता हूँ एंड इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ मैं, बट इसने राइडन करेक्टर अपना ऑन कर लिया था। पर फिर भी मैं अंदर जाता हूँ एंड इस पे FGL डालता हूँ
और ये बंदा काफी डैमेज हो चुका था भाई। ये देखो भाई, दो गोली मारता हूँ बंदे का, मेरे को किल मिल चुका था अपना। एंड भाई 6 किल भी मेरे हो चुके थे, अभी जस्ट आखिरी के 15 बंदे लाइव है मेरे को लेके। तो फटाफट से अपनी एचपी को भी फुल कर लेते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पर हम लोग प्रॉपर अच्छे से लूट वोट कर रहे थे, सुपर मेडल लेते हैं हम लोग, यहाँ पर सीधा जोन में आते हैं। एंड एक बंदा व्हीकल लेके जा रहा था, इसकी मैं गाड़ी तोड़ता हूँ, फिर इसकी हड्डी तोड़ता हूँ। एंड हेडशॉट के साथ मेरे को एक और किल मिल चुका था। बाकी यहाँ से मैं सीधा आगे की तरफ बढ़ने वाला हूँ, बिकॉज मेरा ग्लोरी तो फुल प्लस मिल चुका है। तो फुल मैं यहाँ पर रश करके खेलने वाला हूँ अभी, बिना किसी टेंशन के। बाकी सामने एक बंदा दिखता है जिसको मैं M14 का हेड दे देता हूँ ड्रैग मार के। ऐसे ही करते करते मेरे 11 किल हो चुके थे, लास्ट के 2 बंदे लाइव है मेरे को छोड़ के। बाकी मैं अपना पॉकेट मार्केट ऑन करके तासुया परचेज करता हूँ, रिपेयर किट, सुपर मेडी एंड थोड़ी एमो भी निकाल लेता हूँ, क्योंकि जोन पूरा छोटा हो चुका था एंड मेरे 11 किल थे। सोचा इस गेम को बुईया करना तो बनता है, इतना बढ़िया गेम जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा थोड़ा आगे जाता हूँ ग्लोबल कवर छोड़ के और थोड़ा देखने लग जाता हूँ कि बंदा है किधर। इतने में एक एनिमी उसको लगता है ग्लोबल के पीछे हूँ एंड बंदा उधर जाता है। एंड इसको देखो, मैंने इजीली यहाँ पर फिनिश कर दिया। इतने में लास्ट वाला बंदा मेरे पे रश कर देता है, बट मैं अपने आप को जैसे तैसे करके पैक करके अपने आप को हील करता हूँ एंड ग्लोबल यहाँ पर लगा के मैं बाहर की साइड निकलता हूँ। और ये देखो तासुया मैंने परचेस करा था, कितना काम आता है। एंड भाई ये देखो भाई, क्या ही तो हेड और बॉडी मारा एंड बंदा हो चुका फिनिश और हमारा हो चुका गाइस बुया बुया बुया। बाकी अभी हम लोग गेम को बैक मारने वाले हैं एंड देखेंगे हमको कितने का प्लस मिला। तो 2 गोली में अभी तो हमको 100 का फुल प्लस मिल चुका है। अब नेक्स्ट गेम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ब्लू जोन बना था भीमा शक्ति पे, तो डायरेक्ट ब्लू जोन में ही आ जाते हैं। एंड भाई ये देखो भाई, 2 गोली भी हमको मिल चुकी थी, बाकी मेरे को अभी जस्ट अभी किल ही करने थे। बाकी सामने से बंदा काफी डैमेज देता है एंड ये जो सोलो रिवाइवल था वो भी अभी खत्म होने वाला था, बट इतने में ये बंदा मेरे पे FGL वगैरह डालता है, मेरी HP काफी लो कर देता है। बट मैं यहाँ से कवर में आ जाता हूँ एंड ये बंदा सीधे सीधे रस करता है और ये देखो भाई, क्या ही तो हेड पर जाता है इसको एंड ये बंदा इजीली फिनिश हो जाता है। और भाई सोल रिवाइवल ऑन है तो ये बंदा रिवाइव भी हो जाएगा, बाकी कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से मैंने शॉर्ट की गन उठा ली थी एंड यहाँ से मैं सीधा लूट वूट करके आगे की साइड आता हूँ। यहाँ पर 2 बंदे फाइट कर रहे थे इसलिए मैं थर्ड पार्टी करता हूँ, एक बंदे को मैं थोड़ा डैमेज देता हूँ एंड उसका सोनी एक्टिवेट करा देता हूँ एंड वो बंदा नॉक भी हो जाता है, बट वो बंदा मेरा किल चोरी कर लेता है। अब मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैंने इसको भी घुमा के 2 रख के दे दिया एंड ये बंदे का मेरे को किल आ जाता है एंड मेरा शॉटगन से 1 और किल यहाँ पर हो जाता है। अब यहाँ से सीधा मैं मॉन्स्टर ट्रक को मंगाता हूँ एंड मैं जोन में आ जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं देखता हूँ कि भाई एक एनिमी मेरी गाड़ी में बैठा हुआ है। तो मैं सोचता हूँ भाई एनिमी जैसे तैसे भी करके बस मेरी गाड़ी से उतर जाए। तो मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सुपर मेडी थी इसलिए मैं इसको जोन के बाहर लेके जाता हूँ कि एनिमी मेरी गाड़ी से उतर जाएगा, बट ये बंदा उतरता ही नहीं लिटरली भाई। ये बंदा जोन के बाहर ही भाई मतलब बैठा रहता है गाड़ी में, लेकिन ये मेरी गाड़ी से उतरता ही नहीं भाई, कितना ढीट एनिमी था। यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि जहाँ मैं मरते मरते बच गया था भाई। यहाँ पर मैं थोड़ी सी चलाकी भी करता हूँ, मैं आधा गाड़ी को जोन के बाहर अंदर रखता हूँ जिससे इसको डैमेज आए मेरे को ना आए, बट ये एनिमी फिर भी गाड़ी से नहीं उतरता। लास्ट मैं यहाँ पर हिम्मत तोड़ के गाड़ी से उतर जाता हूँ एंड यहाँ पर एक एनिमी मेरे को दिखता है, इस पर सीधा रस मारता हूँ, डैमेज देता हूँ मैं इसको काफी एंड भाई चलो इसको बाहर जाके इसको फिनिश करते हैं। बट लास्ट जोन और आप लोग हार्ड लोबी में खेल रहे हो तो भाई गाड़ी वाले बंदे काफी परेशान करते हैं एंड भाई मैं जैसी गाड़ी से उतर गया भाई मेरे को देखो भाई, मतलब मेरे को जीने ही नहीं देते भाई, मेरे को भाई चारों तरफ से डैमेज पड़ने लग जाता है, इतने बंदे रहते इधर। और मैं यहाँ पर इंजेक्शन तो मारता हूँ और ये मैं उठ भी जाता हूँ एंड ये बंदा सोनी एक्टिवेट था, इसको मैंने फिनिश कर दिया बट मैं मर गया। अगर मैं उस समय गाड़ी से नहीं उतरता तो शायद इस गेम को बुईया कर पाता, बट कोई बात नहीं, वेपन ग्लोरी तो फुल प्लस मिल चुकी थी हमको। अब नेक्स्ट गेम में यहाँ पर मेरे 1 किल हो चुके थे एंड मैं भी बहुत जल्दी टॉप 20 में भी आने वाला था एंड शॉटगन से किल नहीं था मेरा, तो स्कैनर मेरे को यहाँ पर एक बंदा दिखा था अभी। बाकी वेट, ये किधर? अच्छा ग्लूवल से पैक है यहाँ पर, इसके अभी अपन ग्लूवल तोड़ते हैं एंड ये देखो भाई, ये तो ऑफलाइन ही है बट इसको मैंने 2 गोली मार के फिनिश कर दिया एंड मेरे को यहाँ पर 1 किल भी मिल चुका है। आगे जाके मैंने यहाँ पर बैक टू बैक किल करके 8 किल के साथ इस गेम को बुईया करा था, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, थोड़ा सा ग्लिच हो गया। ऑल राइट दोस्तों, एपिसोड 1 की पुशिंग के बाद अभी हम लोग अपना स्कोर को चेक करने वाले, बट उससे पहले इस वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करना मत भूलना। तो फिर चलो फिर फटाफट से चलते हैं लीडर बोर्ड में एंड यहाँ सेलेक्ट करते हैं वेपन एंड यहाँ पर भाई अपन शॉटगन को, यहाँ से M1887 एंड यहाँ पर हम लोग अपने साउथ वेस्ट दिल्ली में अभी टॉप 7 पे आ चुके हैं, पहले टॉप 10 पे थे एंड अभी नाउ टॉप 7 पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दिल्ली में भी हम लोग टॉप 68 पे आ चुके हैं, बहुत ही जल्दी हम लोग इंडिया में भी आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक ले बाय बाय।